हेलो अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये मेरी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको रोमन नंबर समझा रही हूँ। मैंने इसकी कैटेगरीज बना ली हैं ताकि आपको समझना आसान हो। ओके, सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी बना लेंगे, यानी हमने इसको मैंने इसलिए आपको ये तीन कॉलम्स बना के शो कर दिया है ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अच्छा, पिछली वीडियोस में जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, 10 तक मैं यहाँ 11 से स्टार्ट कर देती हूँ। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या जा रही है, 10। अरेबिक नंबर में 10। ओके, 11 मीन ये हमारे पास 10। 11 मीन क्या होता है, 11 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1। सो 10 मीन, 10 का क्या मतलब हो जाएगा, ये है 10 और इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, 11। ओके, 11 कैसे होगा, ये 10 Here is 11. Next, 12. 12 भी बहुत आसान है। 12 mean, सबसे पहले हम इसको 10 और 2 में इसका पार्टीशन करेंगे, यानी 10 और 2। अब इसके बाद 10 कैसे लिखते हैं, ये है 10, 2, here is 2। अब मैं इन दोनों को अगर एक साथ करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, 12, ये हो गया 10, 11, 12, 13, 13 भी सेम एज इट, 13 मीन, जी स्टूडेंट्स, 13 मीन 10 प्लस 3, हियर इज 10 और 3 मीन 1, 2, 3। अब आपको 13 भी लिखना आ गया होगा। 14 पे आते हैं, 14 mean, 14 को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो हमारे पास 10 आया एंड 4, 10 as it is, फिर उसके बाद 4। आपको मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि 4 कैसे होगा, अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 10 है और ये 4, ये हो गया टोटल 14, 10 प्लस 4, 14, इट्स टू इजी। 15 भी आप देखिए, हियर इज 10 प्लस 5, 10 मीन एंड 5, ये मैं ऐसे ही लिख देती हूँ इसके साथ। ओके, 15, 16 मीन 10 प्लस 5 प्लस 1, 10, रोमन नंबर में 10 कैसे लिखते हैं, ये रहा 10, 5 ये रहा 5 और ये रहा 1। अब इन तीनों को मैं कलेक्ट करके लिखूंगी तो 10, 5, 15 और 1, 16, 10, 5, 15 और 1, 16, जैसे आपने 16 लिखा है इसी तरह से अब आ जाएगा 17, 17 कैसे हम करेंगे, सो 17 को थोड़ा सा मैं और मजीद नीचे लिख देती हूँ, 17, हमने इसके पार्ट्स कर लिए, 10, 5 प्लस 2। अब जैसे यहाँ प्लस 1 प्लस 2, इसी तरह 18 में आ जाएगा हमारे पास प्लस 3, ये देखिए जैसे इसमें हम 1 ऐड करते जा रहे थे। अब 10 मीन ये रहा 10, 5 मीन हियर इज 5 एंड 2। अब इन सबको अगर कलेक्ट करके लिखेंगे तो 17, 10, 5, 15, 16, 17,
आफ्टर 17 18। नेक्स्ट अरेबिक नंबर है 18। 18 की भी हम फॉर्मेशन कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे 16 और 17 की आपने फॉर्मेशन की है, इसी तरह आपके पास आ जाएगा 18। 18 मीन 10 प्लस 5 प्लस 3, 10, 5 एंड 3। रोमन नंबर्स में तीनों हमने लिख दिए, अब इन सब को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। 18 मीन 10, 5, 15, 16, 17, 18। अच्छा 19 की भी फॉर्मेशन आप देखिए, ये 19, 10 प्लस 5 प्लस 4, 10 प्लस 5 प्लस 4। अब आपने देखा हम क्या ऐसे करेंगे, नो, इसीलिए मैंने आपको नोट डाउन कर दिया।